हेलो व्यूअर्स, मैं हूँ सर्टिफाइड कराटे ब्लैक बेल्ट एंड फिटनेस ट्रेनर संजय। शायद ही कोई व्यक्ति हो जो सौंफ से परिचित न हो। सौंफ के दाने छोटे और हरे होते हैं। आमतौर पर सौंफ छोटी और बड़ी दो प्रकार की होती, दोनों ही बहुत ही फायदेमंद होती है। जानते हैं कि सौंफ का उपयोग अचार बनाने, सब्जियों को रुचिकर, खूबसूरत, खुशबूदार, जायकेदार बनाने के लिए किया जाता है। आयुर्वेद की माने तो सौंफ त्रिदोष नाशक है। सौंफ दृष्टिवर्धक, दीपन, पाचन, कफ निकालने वाली तथा पेट की अन्य शिकायतों को दूर करने वाली है। हालांकि सौंफ का उपयोग हर घर में होता है, लेकिन इसके गुणों की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। इसी नन्ही जान में ऐसे गुण हैं जो अनेक रोगों को नाश कर सकती है। तो आइए जान लेते हैं इसके फायदे और गुण। हम सौंफ और मिर्ची को समान मात्रा में पीस लें रोज रात को, और दोपहर में खाना खाने के बाद इसका सेवन करने से स्मरण शक्ति बहुत ही जल्दी बढ़ जाती है। सौंफ खाने से आंखों की ज्योति भी बेहतर हो जाती है। आप चाहे तो इसे मिश्री के साथ भी ले सकते हैं। खाली पेट सौंफ खाने से खून साफ होता है और त्वचा में भी चमक आ जाती है। अगर आपके मुंह से बदबू आती है तो नियमित रूप से सौंफ का सेवन आपकी बदबू को दूर भगा सकता है। सौंफ में विटामिन सी की जबरदस्त मात्रा होती है और इसमें आवश्यक खनिज भी होते हैं, जैसे कैल्शियम, सोडियम, फॉस्फोरस, आयरन और पोटेशियम। शरीर के लिए बहुत आवश्यक और फायदेमंद है। पेट की बीमारियों के लिए यह बहुत प्रभावी दवा है, जैसे मरोड़, दर्द और गैस्ट्रिक डिसऑर्डर। सौंफ का नियमित सेवन दृष्टि को तेज करता है। 5 से 6 ग्राम सौंफ रोज लेने से लीवर और आंखों की ज्योति भी ठीक हो जाती है। सीकी हुई सौंफ को मिश्री के साथ खाने से आवाज़ तो मधुर होती है, यह खांसी भी भगा देती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका कोलेस्ट्रॉल स्तर न बढ़े तो खाने के लगभग 30 मिनट बाद एक चम्मच सौंफ खा लें। सौंफ कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित कर सकती है। तो फ्रेंड्स, ये थे सौंफ के कुछ गुण। जल्द मिलते हैं नए वीडियो के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें, लाइक करें, शेयर करें।